नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र है और मैं अपने दो शिष्यों के साथ यहाँ बैठा हूँ। और आप गगन के पिताजी हैं, और एक बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर हम चर्चा करने आए हैं, और जो दर्शक इसको देखेंगे उनके लिए बड़ा मोटिवेशन होगा। क्योंकि कहते हैं ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, या आईएएस का बेटा आईएएस बन जाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए, है ना, पॉलिटिशियन बेटा, तो ठीक है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैसे ये भी बड़ी बात है, बट ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा डॉक्टर बन जाए, वो भी इस बार नीट 2024 में, जब एग्जाम को लेकर बड़ी मुश्किल थी आई, और लोग कह रहे हैं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है। लोग मतलब बच्चे और टीचर, मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ, बच्चे भी नहीं होंगे शायद, मन में डाउट है कि अगर नहीं हुआ होता तो मेरी रैंक और अच्छी रही होती, मुझे और अच्छा कॉलेज मिला होता। तो मेरे साथ दो बच्चे हैं, ये अभिषेक मौर्या हैं, ये एलवन कोचिंग में हम लोग पढ़े, और यहाँ इन्होंने नीट टारगेट में जो तैयारी किया, हमारे यहाँ एक्सेल बैच था उसमें इन्होंने पढ़ाई किया, बड़े प्यारे हैं, और तभी यहाँ बैठे हैं, तभी इन्होंने नंबर पाया है, कभी क्लास छोड़ते नहीं थे। बाकी अपनी बातें ये डिस्क्लोज करेंगे। इनके पिताजी हैं श्री अनिल मौर्या जी, और इनकी माता जी हैं श्रीमती सुनीता देवी जी। मैं ऐसे बातें इसलिए कर रहा हूँ कि माता पिता को श्रेय देना होगा, उनके नाम बच्चों के नाम की ही तरह या उनसे कहीं ज्यादा इस रिजल्ट में रोल प्ले किए हैं। और ये रहने वाले हैं पूर्वा तालुका चकिया चंदौली डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने जेएनवी सोनभद्र में पढ़ाई किया, और इस बार नीट 2024 में इन्होंने 655 नंबर पाए, और ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बधाई हो अभिषेक आपको। थैंक यू। और ये गगन हैं मेरे साथ, इनके पिताजी हैं श्री ब्रिजलाल जी। अपने विषय में आप खुद ही बताएंगे, और आपको ये कहानी सुन के मतलब ऐसा लगेगा कि जब ये कर सकते हैं, इतना एफर्ट ले सकते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इस बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, फिर तो किसी को भी करना चाहिए। फिर जो लोग बहानेबाजी करते हैं ना कि गरीब है, ये है वो है, बहानेबाजी नहीं बोलूंगा, मतलब परिस्थितियों का जो लोग कहते हैं ना, तो परिस्थितियों कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो कमिटमेंट है, वो आप बताएंगे किस तरह से रिजल्ट में कन्वर्ट किया सकता है। आपकी माता जी हैं गगन की, श्रीमती शीला देवी जी। आप मोहिलाव, सॉरी गोहिलाव, गोहिलाव गांव है भदोही जिला में के रहने वाले हैं, लेकिन ये कोयलरी में काम करते थे, मजदूरी, क्या काम करते थे हम लोग आपसे जानेंगे। शक्ति नगर में आप रहते थे, और इसका आपको एक फायदा हुआ कि बच्चों को वहाँ, चूंकि कई इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कोयला वेला माइंस होता है, और पावर प्लांट वगैरह, थर्मल पावर प्लांट है, तो थोड़े अच्छे स्कूल्स वगैरह हैं, तो इस वजह से गगन को और इनकी भाई बहनों को डीएवी में पढ़ने का, अच्छे स्कूल पढ़ने का मौका मिला है। डीएवी खड़िया में पढ़ाई किए, और इन्होंने नीट 2024 में 560 नंबर पाए। ये नंबर, ये कैटेगरी में ये हैं, और मैं बोलना चाहूँगा कि ये इनको इस नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, और ये और अच्छा हो सकता था अगर गड़बड़ी नहीं होती तो। गगन आपको बहुत बधाई सर, आपकी बधाई, और मैं आपसे रियली बहुत प्रेरित हूँ कि आपने ये सब किया। थैंक यू सर। सो गगन आप बताओ कि कैसे, जब तुम 11th 12th से पढ़ रहे थे, तो क्या आपका सपना क्या था, डॉक्टर बनने का सपना था आपका? यस सर। सर डॉक्टर बनने का सपना सर बहुत पहले से था, बचपन से था। अच्छा, पापा भी मतलब मुझे डॉक्टर बनाना चाहते तीज बोलना है ना ताकि आवाज कैच हो जाए ठीक से। हाँ यस सर। सर डॉक्टर बनने का सपना सर बचपन से था, पापा भी मैंने अपने सपने को पापा को बताया, फिर पापा भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर ही बनूं, इसके लिए पापा ने सब कुछ किया, यहाँ तक कि हम लोग पापा देखे कि आपने पहली बार डॉक्टर बनने कब बोला पापा को? सर आई थिंक जब मैं क्लास 4 में था। 4 में थे? यस सर। तो सर आप तो मान लीजिए, आप क्या करते हैं बताइए दर्शकों के लिए, आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, लेकिन थोड़ा तेज बोलिएगा प्लीज ना। मजदूरी करते हैं। तो आपका काम एक्चुअली में क्या है, मतलब कैसा काम करते हैं आप? एक्चुअली में हम टायर मजदूर के रूप में काम करते हैं उसमें आप क्या करते थे, मैं बताऊंगा आपको क्यों पूछ रहा हूँ। उसमें जो है कि मैकेनिकल काम है, टायर खोलना, फिर उसको लगाना, ये सब काम हम करते और बाकी मिस्त्री लोग फिर उसको सही करते। जी जी जी। उसके अलावा भी बहुत से मजदूरी का काम है, उसको भी हम करते हैं। तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते, क्यों जानते, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो उस तरह के जो लोग होंगे तो उनको ले कि उनके लिए आप आदर्श हो जाएंगे, अब वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर सोचेंगे। जी सर, मजदूरी कोई भी हो,
चाहे वो किसानी खेतिहर मजदूरी हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी का काम हो, अगर मजदूर काम कर रहा है और वो सही नियत से सही ढंग से उस पैसे का यूज कर रहा है अपने बच्चों को भविष्य को देख करके, तो वो बच्चों को पढ़ा सकता है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप जो है कोयलरी, मतलब कोयला जहाँ काम होता है, तो वहाँ पे माइन के अंदर जो गड्ढा, मतलब माइन के बाद जो गड्ढा भरने के बाद ही बच जाता है, तो उसको मिट्टी से आप जैसे और भी कई साथियों के साथ मिलके भरते हैं आप लोग, तो वहाँ बहुत प्रदूषण होता है और रिस्क भी रहता है बहुत ज्यादा। मतलब हमेशा माइन ब्लास्ट, मैं एक बार गया हूँ तो हर जगह धूल उड़ता रहता है, नाक में पूरा भर जाता है। माइंस ओपन कास्ट माइंस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर डस्ट बहुत ज्यादा है और जो है कि गाड़ी घोड़ा चलते रहते, गाड़ी चलती रहती है, ट्रक लगातार चलते रहते हैं, डस्ट उड़ता है। और साथ साथ में जो प्रकृति का जो हवा चलता है उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो आदमी क्या करेगा, लेकिन जो माइंस है, जो माननीय एनसीएल है जो माइंस चला रहे हैं, तो वो लोग भी पानी का छिड़काव करते रहते हैं, बावजूद उसके कंपनी इतना करते करती है। मैंने सुना है कि उन इलाकों में जो है लोगों को हार्ट की डिजीज, लंग्स की डिजीज बहुत बहुत ज्यादा, श्वास की बहुत ज्यादा बीमारी हो। मैं तो सर, मैं आपको रियली मैं प्रणाम करना चाहूंगा और बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित हूँ कि आप जो है इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने सब कुछ त्याग किया। क्योंकि आपके चार बच्चे हैं, गगन दो भाई और दो बहन है, और चारों बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने सब कुछ, आप बता रहे थे आपकी मैडम से आपकी किस दिन शाम को बात हुई, बताएंगे क्या? सर इसमें यही हुआ कि हमारे परिवार में हर मुद्दे पर बात चलते रहता है, तो हमारी वाइफ है तो उन्होंने कहा कि अब लड़कियां सियान हो रही हैं, बच्चे सियान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो भाई पढ़ाई के साथ साथ इनके उम्र को देख करके इनका शादी विवाह का भी ध्यान करना है। तो जो है कि वहाँ पर उनकी बात को सुन करके, मैं तो जानता हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना पैसा पा रहा हूँ, कितना खर्च हो जा रहा है, कितना बच रहा, बच तो रहा ही नहीं है। जी जी जी। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमको विचार में यही आया कि जो अभी हम शादी के विषय में सोचेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, जो है कि इकट्ठा करेंगे, उससे अच्छा तो ये है कि हम बच्चे को पढ़ा दें, पढ़ा करके स्टैंड कर दें, अगर वो बढ़िया जॉब पा जाएगा तो अच्छा से अच्छा शादी हो जाएगी। आपने घर के विषय में बोला, उनको आपने बताया था जी, क्या बोला बताइए आप दर्शकों के लिए कि क्या आपने बोला था ना शायद कि घर द्वार तो हम बना ही नहीं सकते इस पैसे में। जी, एक मजदूर आदमी आज के महंगाई के हिसाब से देखा जाए सर, तो एक कमरा नहीं बनवा सकता, एक रूम, पक्का रूम नहीं बनवा सकता जो है, तो जो है कि लेकिन एक बच्चे का जिंदगी बना सकता। क्या बात है, बात है। ये लाइन बहुत बड़ी है सर, एक जिंदगी। तो आपने अपनी पत्नी को ये बोला कि देखो मैं घर तो नहीं बना सकता, हाँ। बच्चों की जिंदगी बना लेते हैं, हाँ। क्या बात है, वो एक ऐसा, ये बच्चे क्या है सर, एक वृक्ष पौधा समान है, इनको अच्छा सा खाद पानी ये सब ऊर्जा मिलेगी ना, तो ये एक दिन बहुत बड़े वृक्ष होंगे और उसी वृक्ष के नीचे छाया भी मिलेगी और हमें फल भी खाने के लिए मिलेगा। सर आप बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं। और यूज के लिए लकड़ियां भी मिलेंगी, सारा चीज हमको वहां से मुहैया हो जाएगा, सब शिक्षा से मिलने वाला है। ओ, 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 गरीब आदमी, मेरे जैसा गरीब आदमी जो होगा उसको बढ़ने के लिए, उसको गरीबी से ऊपर उठने के लिए मात्र एक विकल्प है, वो है शिक्षा। न कि ये पांच महीने, हर महीने 5 किलो राशन मिलने से वो गरीबी दूर नहीं हो सकती है, और शिक्षा दूर होगी, ये शिक्षा से दूर हो सकती है सर जी, जिस पर हमारे टीचर महोदय तो साथ दे ही रहे हैं, सरकार भी ध्यान देती है कि शिक्षा गरीबों को अच्छा से अच्छा मिले, और इस पर हर एक गार्जियन, हर एक गरीब मैं आप लोगों को बता मिल करके काम करना चाहिए। आप जो हैं श्री ब्रिजलाल जी जो हैं, ये इनके पिताजी एकदम पढ़े लिखे नहीं थे, आपने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने आपको कक्षा 10 तक पढ़ाया,
और ये कह रहे थे कि जब मैं पास होता था किसी जिस क्लास में तो अपने दोस्तों को चाय पिलाए थे वो, तो उन्होंने इनको पढ़ाया कक्षा 10 तक इस वजह से। और आप जब यहाँ आए तो देखे कि भाई बड़े बड़े ऑफिसर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इनको समझ में आया कि बच्चों को पढ़ाना है। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी देने तक नहीं है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं सर, बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसी बात नहीं। सर जी मैं एक चीज बताऊं कि हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, माताजी भी नहीं थी, लेकिन उनको ये था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात है। उनको ये था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने पढ़वाया हमको, कक्षा 10 तक मैं पढ़ा हूँ, लेकिन उसके आगे। लेकिन आपकी जो सोच है सर ना जी, बहुत लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई किए हैं उनसे काफी आगे है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, कई लोग अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाते। अभी बच्चियों की शादी के लिए बात, अभी हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे तो ये बात निकल के आई भाई कि आपने भी बात किया कि सर शादी में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो उससे बढ़िया हम उसी पैसे से बच्चियों को कहीं जुगाड़ करके जो भी ये पढ़ा लेते हैं। अगर पढ़ के बच्चियाँ हमारी, बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं, वो एक बच्ची आपकी 11th में गई है, एक बच्ची 12th में है, बायो लेकर पढ़ रही हैं, तो आपका मानना है कि बच्चियां मेरी पढ़ने में अच्छी हैं, अगर वो सेलेक्ट होकर डॉक्टर बन जाएंगी तो हमको शादी का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। वो चीज आपको देखी बात है सर जी, हमारे जीवन में ये सब घटनाएं घटी हैं कि हमारे उम्र के हमारे साथी जो हैं उनके पास भी बच्चियां हैं, लेकिन बहुत से साथी हमारे पढ़ाई के महत्व को नहीं समझा है और बच्चियों को बहुत ज्यादा ज्यादा क्लास 10th तक पढ़ाया है या इंटर तक पढ़ाया है। असली पढ़ाई तो 12 के बाद शुरू होती है सर जी, और वहाँ तक पढ़ाने के बाद उन बच्चियों का शादी विवाह कर दिए हैं, आज उन बच्चियों के पास बच्चा है और उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो गई, बहुत ज्यादा। मैं इसलिए बोला था, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए, मानसिक रूप से हो गए और आर्थिक रूप से तो इतना तंग हो गए कि अब उस गरीबी के उस परत से उठना हमको लगता है कि शायद अगर वो अपने जनरेशन में सुधार लाने की बहुत प्रयास करेंगे मेरे जैसा, तो शायद परिवर्तन हो पाए। इसलिए मैं कहा ना कि आपकी जो सोच है वो कई पढ़े लिखे लोगों से बहुत आगे है। और गगन, मैं मानता हूँ कि ऐसे पिताजी ऐसे परिवार सबको नहीं मिलते, आप बहुत ही ज्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं और इस वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और गगन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इनके नंबर पे इनके रैंक पे मिलना बिल्कुल तय है। और अभी मैं, मुझे बहुत खुशी है बात शेयर करते हुए, आपके पास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के काउंसलिंग के लिए पैसा नहीं था और आप हमारे एल्बन कोचिंग में ही एक टीचर है डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा जी से आप मिले और उन्होंने मदद की और आप आज काउंसलिंग करती है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन महान देवता समान आत्मा रूपी अध्यापक को जिनको गुरु कहा जाता है, तो मुझे से बढ़कर के कोई है नहीं। मुझे जान के बहुत खुशी हुई और हमने अभी उनसे हमारी कल बात हुई थी इस मुद्दे पर कि हमारा काउंसलिंग सर नहीं हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अच्छा ठीक है आप आइए देखता हूँ जो है, और उन्होंने जो है कि हम आए और मिले उनसे, उन्होंने तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया। आज हमारे बच्चे का ये मतलब गुरु शिष्य के बीच का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है और उन्होंने भी इसलिए किया कि उनको मालूम है कि गगन के लिए बहुत जरूरी है, गगन आगे बढ़ के अच्छे डॉक्टर बनेंगे और इस भावना को आगे बढ़ाएंगे। और आपकी दो बेटियां हैं, मैंने आपको सजेस्ट किया और रिक्वेस्ट भी किया हूँ उन बच्चियों को आप हमको दे दीजिए और किसी भी तरह से उनको पढ़ा के हम लोग आगे बढ़ाएंगे जो मैं किया जाएगा। और एक और बात गगन को मैंने बोला कि हमारे पास स्कॉलरशिप है, हमारा एक ट्रस्ट चलता है एक्स नवोदयन फाउंडेशन का, तो उसके माध्यम से मेरे पास कई ऐसे डोनर्स हैं, उनके स्कॉलरशिप हैं। मैंने कहा भाई गगन आप अप्लाई करो और आपकी जो MBBS की फीस होगी इनकी पूरा इनको पैसा मिल जाएगा तो मदद हो जाएगी इनकी और ये भरेंगे भी, है ना गगन सर? यस सर। तो गगन आपको बड़ा क्या बनना है, क्या करना है, कैसे कौन सा डॉक्टर बनना है? सर मैं जैसे सोचता था पहले कि मुझे मतलब अभी भी सोचता हूँ मतलब, लेकिन मुझे हार्ट का डॉक्टर बनना, हार्ट का डॉक्टर बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। ओके ठीक है। अभिषेक आप बताओ अपने घर के विषय में, आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा किसान हैं, मम्मी बस घर में ही काम ग्रेडी है। बस मत बोलो यार, मतलब बस नहीं वो बड़ा काम है, वो ग्रेडी है। पापा के साथ भी सपोर्ट करते हैं, नाराज हो जाते हैं कि बस क्या मतलब है, बच्चों को बड़ा करते हैं। नहीं
माँ का पापा के साथ सपोर्ट करती हैं, खेत उसमें भी जाती हैं। दादी थी पहले, तो मतलब कि हम लोग का जैसे घर में होता है तो परिवार अलग हो जाता है, तो वैसे सब हो गया था। तब फिर पापा मम्मी दोनों, मैं उस समय नवोदय में पढ़ता था, तभी से वो लोग मतलब मेरे भाई बहन दोनों लोग घर पे पढ़ते थे और मेरे मम्मी पापा खेतों में काम करते थे। ठीक, अपना एक तो मतलब खेत था, काम करते थे, वहाँ से जो पैसा अर्न होता था उससे मैं पढ़ता था, मेरी बहन और फिर मेरा एक छोटा भाई, तीन लोग पढ़ते थे। तो इनके पिताजी, मैं देखा हूँ जब माँ पिताजी जो है कुर्बानी देते हैं अपनी पूरी जवानी और क्या बोलूँ अधेड़ हो जाते हैं बच्चों को, पूरा सुख दुख त्याग सुख त्याग देते हैं बच्चों के लिए, और तब ये बच्चे मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में और कोई चारा भी नहीं बचता। जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर ये तपस्या नहीं करते, ये सोच नहीं रखते, मान लीजिए पूरी मजदूरी करके रुपया जोड़ के घर बना लेते तो क्या होता उससे, इन्होंने घर नहीं बच्चा बनाया। और एक नहीं मतलब इनकी दोनों बहनें बड़े पढ़ने में तेज हैं, एक भाई जो भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक परिवार का पूरा जीवन खट जाता है, तब जाके ऐसे आता है। और मुझे उम्मीद रहती है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो इस बात को समझेंगे, अपने माँ को खुशियाँ देंगे, ऐसा मुझे हमेशा उम्मीद रहती है। हाँ अभिषेक, अभिषेक ने 655 नंबर पाया है और एक किसान के बेटे हैं और जो मेडिकल क्वालिफाई किए। अभिषेक बताओ अपने संघर्ष के विषय में, बताओ कैसे तैयारी में कोई संघर्ष रही, पैसे की दिक्कत, पढ़ाई या माँ बाबू जी, बताओ परिवार में। सर ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी जब मेरी बहन का एडमिशन हुआ था BHU में। पापा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को इतना पढ़ाए, मेरी बहन भी BHU में सर पढ़ती है, BSc कर रही है। हाँ BSc, अब सर वो भी बाहर आ गई, हॉस्टल नहीं मिला है, तो सर उसको भी देखना है, हमें भी देखना, तो सर पापा को इस बार थोड़ा ज्यादा मतलब पड़ा था प्रेशर, ये मतलब इकोनॉमिकली बहुत पैसा देना पड़ा। लेकिन अभिषेक, ये लोग अभिषेक और गगन ने कभी क्लास नहीं छोड़ी, ये दोनों बच्चे हमारे एक्सेल बैच में थे, रेगुलर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नंबर 640 630 इस बार आ गया है बट उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है ना, तो वो बच्चे फिर तैयारी करते हैं ना, तो उनको लगता है मुझे तो आता है बहुत कुछ, और वो क्लास नहीं रेगुलर रहते या टेस्ट छोड़ देते हैं या ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो उन बच्चों के विषय में आप बताओ क्या कहना चाहोगे अभिषेक। सर उसके लिए सर कभी कभी सर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इसे कह सकते हैं, या फिर अगर कॉन्फिडेंस भी कहें, अगर हम वो चीज़ अगर क्लास में जाते हैं तो हमारे आपको पता है, फिर भी आप जाएंगे क्लास में तो टीचर बताएंगे आपको, कोई भी चीज़ नई बात क्लिक कर जाती है और वो पॉइंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाती है, वो हमेशा रहता है, ये सब बात रहती है क्लास। मेरे जगह कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए, पहले अच्छा कर रहे थे और ऑनलाइन में एक अनुशासन नहीं रहता है, डिसिप्लिन नहीं रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है उसका एक मोटो होता है कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि बच्चे को मजा आए, जब क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हमारा मजा आना तो रहता ही है। दूसरा उद्देश्य होता है कि आप गलती कर रहे हो थोड़ा आपको मोटिवेट करें, थोड़े डांटे भी, थोड़ी मुश्किल चीज जो है जो थोड़ी बोरिंग भी हो उसको पढ़ाएं। ऑनलाइन में कोई बोरिंग चीज नहीं पढ़ाएगा चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, क्योंकि बोरिंग पढ़ाएगा बच्चा क्लास छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे कई बच्चों नंबर कम होते दे गए। तो गगन, बच्चे जो इरेगुलर रहते हैं क्लास छोड़ते रहते हैं उनके विषय में क्या बोलना चाहोगे क्या सर? सर क्लास छोड़ने से तो सर सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम लोग को हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो नीट हो या JEE हो, तो कंसिस्टेंसी जो होती है वही मैटर करती है, भले हम एक दिन में 6 घंटा पढ़ें या 4 घंटा पढ़ें जो भी पढ़ें, लेकिन हमको वो डेली मेंटेन करना है, ये नहीं कि मतलब एक हफ्ते में हम 2 दिन 12-12 घंटा पढ़ लिए फिर उसके बाद 2 दिन कुछ नहीं किए, बहुत बड़ी बात है, नहीं होता। तो यह सर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कई बच्चे सुनकर लगता है कि एक दिन क्लास नहीं करें क्या फर्क पड़ता है, बट वो एक दिन जो नहीं करते हैं उसकी उसको भरपाई करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है, काफी बैकलॉग लग जाता है। अब मैंने तो जितने बच्चे अच्छा किए उन सबको देखा, बड़े रेगुलर रहे हो। इसमें जो डिसिप्लिन की बात आपने किया बहुत अच्छी बात किया, डिसिप्लिन। अच्छा, आप उन्होंने एल्बन कोचिंग तैयारी किया हमारे एक्सेल बैच में थे, तो एक्सेल बैच में क्या आपको अच्छा लगा या क्या बुरा लगा? सर अच्छा ये लगा सर कि एक्सेल बैच ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा नंबर वाले थे इसलिए एक्सेल बैच में हुआ, लेकिन एक्सेल बैच जो बना उसमें ज़्यादा मतलब बच्चों पे ध्यान दिया गया हम लोग पे, और टेस्ट मतलब होते थे सबके लेकिन हम लोग पे मतलब स्पेशली केयर किया गया था हम लोग को और काफ़ी ध्यान दिया गया। ओके हाँ अभिषेक, एल्बन कोचिंग में कैसा अनुभव रहा आपका? आप तो सारे बैच में पढ़ के वहाँ पहुँचे हो ना, एक्सेल बैच में आपके पहले आप नॉर्मल बैच में भी थे, है ना,
तो जब मैं नवोदय में था तभी से मेरा मन हो गया तो मैं जाऊंगा एलोन में ही। ठीक, उसके बाद से जब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ सर? वहाँ पे जो मेरे सीनियर लोग थे ना यहाँ से पढ़े थे तो लोग बताते हैं कि एलोन एलोन बढ़िया है। ठीक है, सर फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं आप लोग, इसलिए सर यहाँ पे फिर मैं आ गया। फिर यहाँ से अच्छा नवोदय से है, नवोदय के सारे बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ का मुझे हेल्प करना है। तो नवोदय के सारे बच्चों को जो 90% के ऊपर पाते हैं उनको तो हम लोग फ्री कर देते हैं, है ना, और जो 95% के ऊपर रहते हैं कई बार उनको हम लोग हॉस्टल भी दे देते हैं और बाकी सबको 50% देते हैं। और एक बात मैं और जोड़ दूं कि इनके यहाँ का एक लड़का हिमांशु जो कि इनके स्कूल का था सीनियर, इनका सीनियर और इनके गांव के, वो वहाँ उनके पिताजी जो हैं कुछ दुकान लगाए थे, जो साप्ताहिक दुकान लगती है शक्ति नगर में लगाए थे, और उनका लड़का 250 से 300 के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसका नाम हिमांशु है, आईआईटी में रैंक पाया और 12th क्लास में पढ़ते हुए 2 साल हमारे यहाँ पढ़ा 11th 12th नवोदय विद्यालय सोनभद्र का बच्चा, और अभी वो आईआईटी हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बीटेक कर रहे हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, है ना, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ सब बता रहे थे नवोदय 11 में कैसा अनुभव रहा सर? फिर यहाँ पे आने के बाद सर टीचर जो थे, मतलब कि ये हम लोग सुने थे कि कोचिंग में जो जाते हैं टीचर लेक्चर लेते फिर उसके बाद चले जाते हैं, तो मतलब डाउट के लिए बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है। फिर यहाँ पर आए और टीचर आते थे सर, पढ़ाते थे, उसके बाद हम लोग क्लास के बाहर जाते थे तो सर टीचर चलते चलते भी डाउट बता देते, या फिर अगर ज़्यादा डाउट रहता है टीचर बैठ के बता देते थे, मतलब सपोर्टिव टीचर है, बहुत अच्छे नेचर के हैं सर यहाँ पर टीचर। हम लोग रियली इस मामले में लकी हैं, अभी तो हम लोग डाउट में सपोर्ट में और भी टीचर रखने लगे हैं, और जितने लोग हैं चाहे चाहे इम्तियाज सर हों, अम्बरीश सर हों, मौर्य सर हों, बच्चों के साथ टाइम देते हैं, या फिजिक्स में सभी लोग हैं ना, संदीप सर बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, नहीं सब्जेक्टिव नहीं ना सर, सर मेंटली भी सपोर्ट करते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तब टीचर से शेयर करें तो टीचर आपको बताते हैं, अपन अन्य अनुभव भी बताते हैं, शेयर करते हैं कि ये होता है ऐसा होता है, थोड़ी इन चीज़ों पर कंट्रोल करो, हर चीज़ बताते हैं। अच्छा मेरा एक और स्पेशल मेरी याद है, इनका स्कूल नवोदय सोनभद्र से मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आए सारे बच्चे सेलेक्ट, ये मतलब एक बड़ा वरदान टाइप का है, मतलब कनेक्शन टाइप का है, मतलब ऐसा। तो आप क्या हमारे खड़िया डीएबी से भी आपके यहाँ पढ़ के बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत डॉक्टर हुआ, बहुत इंजीनियर हुए। हमारे मौसी का नाती ये मढ़िया का रहने वाले हैं, चुनार मढ़िया वहाँ के है, और यहाँ से पढ़ करके सिविल इंजीनियर हुए हैं, आज पोस्टेड है। मैंने अभी आप लोगों से दोनों लोगों को स्कॉलरशिप देने की बात भी बोली है, मैं अनाउंस करता हूँ जिन लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बच्चे मेहनत करके सेलेक्ट हो रहे हैं तो स्कॉलरशिप दिला सकते हैं, दिलाना चाहिए, तो इन लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे और मिलना ही है मुझे लगता है। और मैंने दो शर्तें रखी है, है ना गगन, एक शर्त क्या है उसमें सर? एक शर्त तो ये है सर कि हम क्या बोलते हैं, सभी बच्चों को जाएंगे गांव जाएंगे या फिर अपने स्कूल में जाएंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे, अपने जर्नी के बारे में बताएंगे ताकि वो भी मोटिवेट हों और पढ़ें और अपना लाइफ में। मैं ये बोला कि भाई देखो आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं करना है, है ना, हम लोग पास बहुत सारे हमारे एलवन कोचिंग में वीडियोज वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल हैं, तो वो सब आपके साथ है, आप जहाँ कहोगे वहाँ हम लोग खर्च कर देंगे, तो लगा देंगे। आपको करना ये है कि जब भी अपने गाँव जाओ, छुट्टियों में जाओ तो, या अपने घर परिवार में रहो, या अपने स्कूल विजिट करो, वहाँ बच्चों को बताओ कैसे आप सेलेक्ट हुए, अपने नोट्स शेयर करो उनके साथ, अपनी जर्नी के विषय में बताओ, ताकि आपके ये सफलता से प्रेरित होगी। क्योंकि एक मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनता है मजाक नहीं है यार। मैं जब दिल्ली मुंबई हजरत देखता हूँ तो बड़े बड़े लोग हैं अपने, जो लोग 3.5-4 लाख रुपए खर्च करते हैं, फीस देते हैं, ये खाली फीस है, उसके अलावा रहने होने का पैसा, इसके अलावा और भी कुछ करते हैं, उसके बाद ये बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये सफलता और लोगों को प्रेरित करे। और दूसरी शर्त मैंने क्या बताइए सर? कि हम लोग को जाना है कॉलेज में, मतलब पढ़ना है, एक अच्छा नंबर सिक्योर करना है। मैंने बोला भैया स्कॉलरशिप तभी चलता रहेगा जब आप वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई में भी अव्वल रहते रहेंगे, अव्वल मतलब फर्स्ट रैंक नहीं, ठीक ठाक करते रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ मटर गश्ती शुरू हो गई तब भैया स्कॉलरशिप ये विधान पड़ जाएगा, है ना। सो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको स्पेशली, और मैं खुद आपसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ, और आपकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो देख के बहुत सारे गार्जियन जो है प्रेरित होंगे, और खासतौर से जिन लोग विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं उन लोगों को भी हिम्मत आए कि बच्चों को पढ़ाया जाए। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मुझे सुनेंगे उन साथियों के लिए, जो हमारे जैसे गरीब साथी हैं उनके लिए, कि
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है और हमारे तमाम महान पुरुषों ने कहा है, और हमारा जो जीवन अभी लगभग 48 साल का हुआ है उसका जो अनुभव कहता है कि गरीब आदमी आज की डेट में वर्तमान समय में वो अपने पारिश्रमिक से शरीर को खटा के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो दो वक्त की रोटी खा सकता है, अच्छा सा वो पहन नहीं सकता है, अच्छा सा मकान नहीं बना सकता है, वो जमीन नहीं बना सकता है, लेकिन एक काम अवश्य कर सकता है कि अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है। जैसे कि एक कुम्हार होता है, कच्चा मिट्टी जो होता है उसको बर्तनों का तमाम रूप दे देता है, चाहे वो सुराही बना दे चाहे उसको कड़ाही बना दे, तमाम बर्तन के रूप में उसको ढाल देता है। उसी प्रकार का माँ बाप होते हैं अपने बाल बच्चों को, अपनी ज़िंदगी तो चाहे जैसे कट रही है अब तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य को अगर देखा जाए तो उनको बहुत लांग जीवन जीना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको संवारने के लिए आपको एक कुम्हार के रूप में आना पड़ेगा और तपस्या के साथ में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। घर द्वार नहीं बना सकते हैं लेकिन बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसको उसको उसके बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए तमाम हमारे सहयोगी साथी भी हैं कि मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आज हमारे एलवन जो हमारा इंस्टीट्यूट है जो बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, बहुत क्षेत्रों में नाम हो गया है, अब यहाँ पर पढ़ करके तमाम क्षेत्रों से हमारे साथियों के बच्चे, बड़े बड़े एम्प्लाइजों के बच्चे, बहुत गरीब गरीब बच्चे डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं और आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो हम आप भी मतलब ऐसे अपने बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं, और एलवन के साथी बहुत सहयोगफुल हैं, बहुत सहयोग करते हैं। हमारा तो यहाँ तक काउंसलिंग के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने सहयोग किया। हमें उम्मीद करते हैं कि हमारे एडमिशन का भी कोई ना कोई व्यवस्था हो, और साथ में साहब ने तो खुद बताया कि यहाँ पर स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था साहब बना रहे हैं। तो ऐसे 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 सहयोग से अगर हमारे जैसा गरीब आदमी अगर अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता है। नहीं सर, हमको लगता है कि जिस तरह से आप इन दोनों के परिवार वालों ने डॉक्टर गगन बनाया और डॉक्टर अभिषेक बनाया, मतलब बनाने जा रहे हैं, तो ये बाकी लोग भी रोशनी आपने जला दी है, अब वो उजाला फैलेगा, फैल रहा है। आपने भीमराव अम्बेडकर जी का अच्छा नाम लिया, ऐसे ऐसे दो दो तीन महान हस्तियां पीछे दिख रही हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, एजेपी अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी देश को, ये मैंने इसे लगाया है, इंस्पिरेशन के लगाया है स्वामी विवेकानंद, ये कुछ अभिषेक कोट बोल लो, उनका कोट है कि शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा वो धारेगा। अच्छा ऐसा अम्बेडकर डॉक्टर साहब का ये स्टेटमेंट है। शिक्षा एक ऐसा माँ है कि उसका दूध पीने से शेर की तरह दहाड़ता है। अब दहाड़ेंगे दोनों बच्चे, और बहुत बधाई हो आप लोगों को, और हमें लगता है कि हम लोग अच्छा करेंगे और हम लोग परिवार की तरह हैं। सब आपका सहयोग है सर, जिस प्रकार से आप परिवर्तन लाना चाहते हैं पूरे देश में पूरे समाज में कि एक दूसरे के पूरक हों लोग और एक दूसरे का सहयोग करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़ा अभियान है सर जी। इस अभियान में हम जैसे गरीब आदमी का जो भी सहयोग होगा हम एकदम दिल से तत्पर। आपका एक ही सहयोग चाहिए हमें, आप बस ये जो इनके लिए जो मेहनत की है ये बताते रहिए सबको कि आप बड़ा अच्छा बोलते हैं सर। जी सर, और ये इसलिए अच्छा बोलते हो कि आपने वो संघर्ष किया है। जी सर, जो बनावटी बोलता है ना वो इतना अच्छा नहीं बोल पाए। जी सर, आपने संघर्ष किया, वो संघर्ष की भाषा है, तो आप समाज में फैलाइए सबको, बोलिए कि गगन अगर डॉक्टर गगन बन सकता है तो किसी का बेटा बेटी भी बन सकता है। जी सर, ठीक है, इसी के साथ हम लोग विराम करें। थैंक यू। थैंक यू।